नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली खबर लेकर प्रस्तुत हैं आपके सामने। सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा 5 वर्ष की गारंटी देकर सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन कमीशन खोरी के चलते ठेकेदार जनप्रतिनिधि अपनी तिजोरी भरकर फुर्सत हो गए और अब सड़क की हालत बद से बदतर है। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई मनिकवार बरहा मुड़िया रोड का है। उक्त सड़क बनने के 5 माह बाद ही गड्ढों में तब्दील हो गई। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा बनवाई गई उक्त सड़क की गारंटी 5 वर्ष की है, लेकिन 5 माह में ही सड़क के परखच्चे उड़ चुके हैं, जिसकी सुधार की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मिल रही शिकायतों का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता ने क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से जानकारी ली, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि घटिया निर्माण के चलते सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क के खराब होने की मुख्य वजह लोगों ने बताया कि कमीशन बाजी के चलते घटिया सामग्री का उपयोग है। उक्त मार्ग के निर्माण में ठेकेदार से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने अपनी तिजोरी भर ली है। आइए दिखाते हैं आपको लाखों की लागत से बनी उक्त सड़क की हालत, सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कहा है। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला जी, कहाँ के निवासी हैं आप? जुड़वानी। तो ये बताइए, ये रोड कितने महीने पूर्व बनी थी? ये 5-6 महीने हो गए इसको बनी। तो ये इतनी जल्दी ये क्षतिग्रस्त कैसे हो गई? जगह जगह से उखड़ कैसे गई? क्षतिग्रस्त ऐसे हो गई कि सब लोग आज के प्रशासन में सब अपने अपने लोगों को ठेका देती हैं जी, और कमीशन रोड में तो पैसा नहीं लगाते हैं जी, सब परसेंटेज में चला जाता है, तो ऐसे रोड बनेगी जी। और आप क्या चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? यही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर माननीय इस रोड से निकल लें और देख लें, इसका मुआयना कर लें सामने आकर। तो विधायक जी तो दिन भर विकास का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने ये रोड बनवा दिया, वो रोड बनवा दिया। तो यही रोड बनी है उनके। हाँ, आप लोग देख सकते हैं सभा की जी। तो इसमें कल चल के थोड़ी, हम तो निवेदन यही करेंगे कि थोड़ी चल कर मुआयना कर ले सामने, जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, वो तो सामने आ जाएंगे जब, तो चल के देख लेंगे। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप मिश्रा। सर, ये जो रोड बनी है कुम्हरा से लेकर के आपके बरहा तक, ये जगह जगह से आप वाहन भी लिए हैं, ट्रैक्टर लिए हैं जी, ये हर जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है जी, जी, जी। क्या कहना चाहते हैं आप? ये दूसरा बने, अच्छी बने चाहिए। अभी विगत कितने महीने हुए होंगे इसको? अरे होंगे 4-6 महीने जो होंगे, साल भर हुई इससे ज्यादा, 4-5 महीने हुए होंगे। 5 महीने, 4-5। इतने जल्दी ये रोड उखड़ गई? सब उखड़ गया बिल्कुल। इतना अब ठेकेदार तो पैसा ले गया? पैसा तो ले गया, पूरा ले गया बस। पर अब इसमें क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, आप अपनी क्या अपील करना चाहते हैं? दूसरा बना चाहिए भाई, पैसा लेके तो चला गया, दोबारा बना चाहिए, नहीं तो एक ही बात ये सब नष्ट हो जाएगी जी। का नाम है अपना के? संखी नाम। संखी नाम है। ये बताइए, रोड जो बनी ही कुम्हरा से लेके बरहा तक, ये जगह जगह से उखड़ गए, कहाँ चाहिए थे अपना शासन? बना चाहिए, दोबारा बने चाहिए, दोबारा बना। तो जगह कैसे ने मकाम करवानी ठेकेदार की? ये सब आप ऐसे पोत दी नहीं जलन भर जी। हाँ, तो अपना का कहा चाहिए थे प्रशासन से? प्रशासन से ये कहा चाहिए थे कि फिर से बने रोड। कहा चाहिए थे कि प्रशासन से जी, कि कानम से ये 3 महीने ठेकेदार पैसा तले के चले गए जी, यखा कानम से उखड़ के जगह जगह से न वाहन जा पावे, न मोटरसाइकिल जा पावे जी, है पैदल जा में दिक्कत पड़े जी। हम तो चाहते कि कानम से हमारे ये रोड बरहा कुम्हरा मोड़ से पुनः बने। का नाम है बना के? देवलाल। ये बताइए, ये रोड इतना जल्दी कैसे उखड़ गए? अब जब रोड में कुछ डालबे लंच का तिराए तो खड़बे नहीं करी, बताइए। 3-4 महीना पहले ये रोड बनवाई गई हुई, मान ली 5 महीना हो गई हुई। 5 महीना, इतने कम समय में जगह जगह से रोड उखड़ गई। जगह जगह। नाम का है अपना के? हमारा देवलाल। देवलाल, यहाँ के निवासी है अपना? हम तो कुम्हरा के। कुम्हरा के यहाँ अपना। और ये रोड कहाँ से कहाँ तक का बनी रही है? कुम्हरा से बरहा। कुम्हरा से बरहा तक का रोड बनी रही है जी। और ये जगह जगह से उखड़ गई, कहाँ चाहिए थे अपने प्रशासन से? फिर से दोबारा एक निर्माण। ये कुम्हरा से बरहा तक रोड बनवाई गई थी विगत 3 महीने, देख सकते हैं आप बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है, जगह जगह से टूटी हुई है, दबी हुई है। आप देख सकते हैं जहां तक आपको दिखाई देगा वहां तक ये रोड जगह जगह से क्षतिग्रस्त है।
और ये 3 महीने हुए हैं विधायक केपी त्रिपाठी जी के माध्यम से ये रोड बनवाई गई थी और जो ठेकेदार आए वो चूना लगा करके चले गए पब्लिक को। अब देख सकते हैं बिल्कुल। देखा आपने किस तरह से विकास के नाम पर नेता अपनी तिजोरी भर रहे हैं, घटिया निर्माण कराकर अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए पैसों का भुगतान करवा देते हैं, लेकिन जनता को सड़क पानी की सुविधाएं किस तरह से मिल रही हैं आप देख ही रहे हैं। 5 साल की गारंटी वाली सड़क का हाल यह है, जहां चलने लायक रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर उक्त मार्ग की जांच कराई जाए तो निश्चित तौर पर ठेकेदार पर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन ठेकेदार नेताओं के सामने शासन प्रशासन नतमस्तक है तो कार्यवाही कैसे संभव है। अपने आसपास की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।